ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक बार फिर केंद्र सरकार से राजस्थान के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की अपील पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने निशाना साधते हुए गहलोत सरकार से कुछ अहम सवाल भी किए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने राज्य सरकार से तंज भरे लहजे में पूछा कि आपका केंद्र से बार बार ऑक्सीजन को लेकर गुहार लगाना प्रदेश की जनता को तो अच्छा लगता है, पर सरकार यह बताएगी कोरोना की विस्फोटक स्थिति का अनुभव देश के कई राज्यों में हो चुका था तो राज्य सरकार ने ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के प्रथम व द्वितीय फेज में जिस प्रकार का अच्छा कार्य किया उसके लिए देश ही नहीं दुनिया ने इसकी सराहना की है, लेकिन जब भारत सरकार ने पहला लॉकडाउन लगाया तो कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उससे पहले ही लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी थी। कटारिया ने बीते 70 सालों के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उस समय लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो स्थिति बद से बदतर हो जाती। 70 वर्ष तक शासन करने वाली सरकार को जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था वह नहीं बना पाई, जिसके कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा और लॉकडाउन की वजह से ही कोविड-19 के प्रथम हमले से लोगों को बचाया गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार कोरोना की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को भांप नहीं पाई। कोविड-19 की इस दूसरी लहर का कोहराम फरवरी के महीने में ही प्रारंभ हो गया और विशेषकर महाराष्ट्र में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा। सबसे ज्यादा संक्रमित और सबसे ज्यादा मृत्यु भी महाराष्ट्र में हुई। मरीजों को भर्ती करने की जगह तक नहीं मिली, ऑक्सीजन एवं वेंटिलेटर नहीं मिले, मरने के बाद शमशान व कब्रिस्तान में भी जगह नहीं मिली और ये सब राजस्थान ने भी देखा। कटारिया ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार भी इस संकट से भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी बार बार केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वैक्सीन की कमी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रीगण और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा कि जो तैयारियां राजस्थान को पहले करनी चाहिए थी वह पूरी क्यों नहीं की। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राजस्थान के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने की मांग रखी थी। इस पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने पूछा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से निरंतर ऑक्सीजन की मांग करते रहना प्रदेश की जनता को अच्छा लगता है, पर सरकार यह बताए कि फरवरी 2021 जब से कोरोना का सेकंड फेज विस्फोटक स्थिति का अनुभव देश के कई राज्यों में हो चुका था तो राज्य सरकार ने ऑक्सीजन के लिए क्या क्या व्यवस्था की उसका विवरण जनता के सम्मुख रखे। कटारिया ने सरकार से पूछा कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2020 में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अलवर में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जो केंद्र सरकार ने 201 करोड़ रुपए दिए उसका क्या हुआ। हाल ही में शांति धारीवाल ने प्रदेश के 105 स्थानों पर नगर पालिका नगर विकास प्रन्यास के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यही काम कोविड द्वितीय फेज का एहसास होने पर प्रारंभ नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाता तो अब तक किसी को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती, और अगर किया जाता तो अब तक सभी को ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान सरकार राजस्थान के मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालयों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन से सीधा मरीज के बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कर रही है। यह काम समय से पूर्व प्रारंभ कर लिया जाता तो क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी व कालाबाजारी, मरीजों के बेड, वेंटिलेटर बेचने के प्रकरण, मरीज को भर्ती करने के प्रकरण, मरने के बाद लाशों पर पैसे वसूलने के प्रकरण लगातार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अब बताओ क्या यह भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है क्या। कटारिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए पीएम केयर फंड से सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अतिरिक्त 162 डेडिकेटेड पीएएस मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए 201 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाया। 10 मई 2021 को ऑक्सीजन का कोटा 435 मीट्रिक टन कर दिया गया, परंतु राजस्थान सरकार इस कोटे को पूरा नहीं मंगवा पा रही।
कटारिया ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 581 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया। राजस्थान में 16 स्थानों जयपुर, कोटा, सीकर, लंडनू, नागौर, सौजत, पाली, अजमेर, नसीराबाद, नाथद्वारा, बालोतरा, जोधपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अजमेर तथा झालावाड़ में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं पीएम केयर फंड से आए वेंटिलेटर्स को लेकर गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि पीएम केयर फंड से 60 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान में 1500 वेंटिलेटर्स BEL द्वारा उपलब्ध कराए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा BEL को उपलब्ध कराए गए सूचना अनुसार 1475 वेंटिलेटर्स इंस्टॉल किए जा चुके हैं, लेकिन वास्तविकता में यह संख्या कम है और वेंटिलेटर्स अनुपयोगी पड़े हुए हैं। अधिकांश वेंटिलेटर्स इंस्टॉल ही नहीं किए गए। प्रदेश सरकार चाहती तो कुछ वेंटिलेटर्स को कुछ राशि खर्च करके सही कराकर कोविड मरीजों के उपयोग में ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।